कबाड़ी दुकान में आग लगने से हजारों रुपये का सामान जलकर खाक। वरिष्ठ भाजपा नेता अभय सेठिया ने लोकसभा चुनाव में की दावेदारी। महिला न्याय कार्यक्रम के तहत महिलाओं को किया सम्मानित। शहरी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 2 में स्थित एक कबाड़ी की दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे आसपास के रहवासियों द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया गया व नगरपालिका के फायर ब्रिगेड को तत्काल सूचना दी गई, जिससे नगरपालिका के दमकल वाहन ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कबाड़ी दुकान के संचालक बब्बू कबाड़ी ने बताया कि इस आगजनी में हजारों रुपये की नुकसानी होना बताया। उन्होंने बताया कि आग कैसे लगी कारण अज्ञात हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा व कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशियों के नामों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें भाजपा ने 195 सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की 29 सीटों में 24 सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र सहित 5 सीटों के लिए अभी प्रत्याशियों के नामों को लेकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा मंथन किया जा रहा है। भाजपा में बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के लिए एक से अधिक दावेदारों के नाम शामिल हैं। दावेदारों में भाजपा ज्वाइन अभियान के जिला संयोजक व वरिष्ठ भाजपा नेता अभय सेठिया ने भी प्रदेश व केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी दावेदारी पेश कर दी है। भारतीय जनता पार्टी में मुझे काम करते हुए लगभग 45-46 वर्ष हो गए और इसके पूर्व 2 पीढ़ी से हम काम कर रहे हैं, संघ के कार्यकर्ता के रूप में, युवा मोर्चे के कार्यकर्ता के रूप में। युवा मोर्चे में मैं तो वार्ड का सदस्य बना, वार्ड का अध्यक्ष बना, चाहे प्रदेश के नेता हो शिवराज जी थे, बीडी शर्मा थे, इसके पहले की भी पीढ़ी से मेरा संपर्क था, उन पीढ़ी से भी मेरी बात हुई है। राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे यहाँ महेंद्र सिंह जी है, प्रदेश के प्रभारी है, सतीश उपाध्याय दिल्ली से आए हुए हैं, ऐसे सभी लोगों से जहाँ जहाँ बात हमको करना है पूरी बात करते हैं। पार्टी में कोई आवेदन नहीं मांगा जाता, कोई सोचे कि आवेदन मांग रहे हैं, आवेदन से उसमें होगा, हमारी वो खुद ही मांगते हैं कि भैया आप अपना बायोडाटा भेज दीजिए, तो अपनी बायोडाटा अपने हिसाब से भेज देते, कहीं भी उसका हम प्रसारण नहीं करते। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिस दिशा में काम कर रही है, नए लोगों को मौका इस जिले में मिलेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। जिला महिला कांग्रेस के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला न्याय कार्यक्रम का आयोजन रविवार को शहर के सिंधु भवन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले पार्टी की महिला पदाधिकारियों व महिला वकील व इंजीनियर्स को सम्मानित किया गया। इस संबंध में प्रवक्ता सुश्री विद्या परिहार ने बताया कि हर क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के निर्देश पर आज महिला न्याय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे महिला न्याय कार्यक्रम हमारी अलका लांबा जी द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्षता द्वारा हमें कार्यक्रम दिया गया था, जिसमें जिले भर की समस्त महिलाओं और सभी ब्लॉक की महिलाओं को हमने आज आमंत्रित किया था। हमारे सभी विधायक हमारे बीच उपस्थित रहे इस कार्यक्रम में और उन्होंने बढ़ चढ़कर महिलाओं की जिम्मेदारी और राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में जो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं उनको आज सम्मानित भी किया गया है। ऐसे ही महिला कांग्रेस समय समय पर अनेकों आयोजन करना चाहती है। जो बच्चियां, जो युवा लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं, हम उनको सशक्त बनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को ग्वालियर में आयोजित कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से संबल योजना के अंतर्गत प्रदेश के 30,591 हितग्राहियों के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से 678 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की है। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत जिले के अनुग्रह सहायता के 1,067 प्रकरणों में हितग्राहियों के खाते में 22,76 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण सिंगल क्लिक के माध्यम से सीधे हितग्राहियों के बैंक खाते में किया गया।